सरकार तोड़ के और महबूबा की बुराइयां करेंगे, अपनी शाइयां दिखाएंगे लोगों को, और हम दोबारा कम बैक जम्मू के अंदर बीजेपी आएगी 25 सीटें लेके। जे 25 नहीं आएंगी अभी, जे तो 1 सीट भी नहीं मिलेंगी। इनको अभी डर लग रहा है रात का, कई मंत्री कई एमएलए रात के दिल्ली ट्रेन पकड़ चुके हैं टिकट लेने के चक्करों में। हम बीजेपी की दोबारा टिकट लेंगे। अभी क्या रखा है जम्मू कश्मीर की बीजेपी के अंदर, अभी तो जे खोखली हो चुकी है अंदर से, इसके अंदर कुछ नहीं है। जैसे एक पुतले को शुगर खाती है, इसको तो शुगर ने खा लिया है बीजेपी को। इन्होंने हमारे साथ जम्मू वालों के साथ इतना धोखा किया, हमने कभी नहीं सोचा था कि बीजेपी हमारे साथ इतना धोखा करेगी, और हमें बेच के कश्मीर भी नहीं रखेगी। हमें तो कश्मीर का जो आजाद कश्मीर है उसके भी पार कर दिया इन लोगों ने। आज महबूबा जी कह रहे हैं कि हमने सीज फायर बंद करवाया। सीज फायर बंद करवाने में एक जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट बीजेपी की एक बहुत बड़ी नाकामी है। हमारी सुरक्षा बलों, हमारी इंडियन आर्मी का मनोबल इन्होंने गिराया है। इंडियन आर्मी नहीं चाहती थी कि सीज फायर, उनका मनोबल गिराते थे, जो शहीद हुए थे उनकी आत्मा को भी तड़फाते थे, और जो अपनी हानेस्टी से ड्यूटी देते थे उनकी भी मनोबल को गिराते थे। जे ऐसी सरकार हमने कभी देखी नहीं, पर आज बीजेपी वाले जो हैं, जो बीजेपी का अपने आप को दावेदार समझते हैं कि मैं बीजेपी का, वो भी कल की इतने खुश हैं कि इतनी घटिया सरकार हमने देखी नहीं। जैसे जे 25 एमएलए थे, इन्होंने तो जम्मू को बेच दिया कश्मीर के आगे। आज तक इतिहास गवाह है कि ऐसा जम्मू के अंदर कभी नहीं हुआ। कांग्रेस सरकार थी, पंडित मंगताराम जी ड्यूटी चीफ मिनिस्टर थे, अपने हकों के लिए लड़ते थे, कांग्रेस लड़ी है। और मैं आज आपको दावे से कहना चाहता हूं कि हीरानगर में जनता समझ चुकी है, आगे से गलत वोट कोई नहीं करेंगे। हम ऐसा कैंडिडेट हीरानगर जनता को देंगे, मैंने एक दो कैंडिडेट देखा है जो इस समय डीसी रैंक भी है, कमिश्नर रैंक भी है। हम चाहते हैं कि भूखा एमएलए कोई नहीं हम अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में लाएंगे, जो पहले भी भूखे होते हैं और जो पैसा कमाने के बाद 5 साल राज करने के बाद फिर भी हमें लोगों को हाथ आगे करके कहते हैं हम भूखे हैं। हम ऑलरेडी इतना बड़ा कैंडिडेट लाएंगे जो पहले ही अपने घर गृहस्थी और अपने संस्कार, अपने माता पिता के संस्कार, जहाँ हमारी हीरानगर की पहचान करे, हीरानगर के लोगों को अपना समझे। मैं हीरानगर के अवाम को जे अपील करना चाहता हूँ, अपने छोटे भाइयों को, बड़े भाइयों को, छोटी बहनों को, या अपने बुजुर्गों को, या अपने माता पिता को, कि हीरानगर एक हिस्ट्री गवाह है। हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर हीरानगर का कोई नाम है, और हम हीरानगर को ऐसा कैंडिडेट देंगे, जो हम कैंडिडेट सिलेक्ट करेंगे, आप उसे एक बार वोट दे के देखना, आपको पता चल जाएगा कि आने वाले समय में जो हमने कैंडिडेट आपको दिया, जहां हमने जो आपको कहा कि इस आदमी को आप वोट कर दो, कोई भी आदमी हमारे पीछे नौकरी छोड़ने के लिए तैयार है, कोई डीसी रैंक का आदमी, तो हम उसे वोट देंगे। हीरानगर अवाम उसे वोट देगा, हीरानगर के बच्चे उसे वोट देंगे, हीरानगर के बुजुर्ग उसे वोट देंगे। हम आपको दावे से कहते हैं कि बीजेपी और पीडीपी की सरकार जो है, ये इनकी जुमलेबाजी नहीं चलेगी। बीजेपी सोच रही होगी कि मैं गेम प्लान खेलूंगी और दोबारा सत्ता में जम्मू कश्मीर के अंदर आऊंगी, पर अभी जम्मू के अंदर कहीं कठुआ के अंदर भी नहीं, हीरानगर के अंदर भी नहीं आएंगे। जब 25 एमएलए हॉस्टलों के अंदर जशी मारते थे, कभी इनकी मिनिस्ट्री चेंज, कभी कुछ किया, कभी कुछ किया, इनसे भी पैसे लिए गए मिनिस्टर बनाने के लिए। और जो हमारा राशन का मसला है, पीडीपी और बीजेपी सरकार टोटली फेल हो चुकी है। पानी के मसले में फेल हुई, बिजली के मसले में फेल हुई, ट्रांसफरें के मसले में फेल हुई। चार चार दिन एक मैजिस्ट्रेट रहा एक कुर्सी पे, चार चार दिन एक एक्सीन रहा, चार चार दिन एक एडब्ल्यू रहा, चार चार दिन के बाद ट्रांसफरें हुई। जब पैसे का जुमला नहीं था और क्या था, जब पैसे की व्यापार करने तो सरकार आई थी, पर जब सरकार अभी सत्ता के अंदर कभी नहीं आ सकती। इन्होंने जो गेम प्लान खेला है कि हम